मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस का बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पीसीसी में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ, और ये पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज की ओर से। सर, क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं अभी से? बधाई दे दी है, जनता का आश्वासन है, जनता ने आश्वस्त किया है। ऐसी साफ छवि के नेता कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, आज कमलनाथ जी को जनता ने आश्वस्त किया, कार्यकर्ता ने आश्वस्त किया। हमारा खुद का सर्वे भी है, हमारा खुद का एग्जिट पोल भी, एक तरह से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है, और जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए बीजेपी एक एग्जिट पोल का सहारा ले रही है, जबकि आधे से ज्यादा एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल मौजूद हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी पर दबाव कैसे बनाएगी भाजपा अगर मान लेगी कि हार गई है और सामने कर देगी? अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में छेड़छाड़ करने के लिए एक एग्जिट पोल का सहारा लेके तमाम प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। सर, नीचे आपका पोस्टर लग चुका है, ऊपर वॉर रूम तैयार हो चुका है, वॉर रूम से भी कल लगातार नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन कौन नेता वहां मौजूद रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर तो कई सारे लग चुके हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने में लग चुके हैं। वॉर रूम हमेशा बनता है और मॉनिटरिंग रूम कहलाता है वो, बेसिकली मॉनिटरिंग वहां होती है। दिग्विजय सिंह जी मौजूद रहे थे पिछली बार, कमलनाथ जी मौजूद रहे थे पिछली बार, विवेक तन्खा जी मौजूद रहे थे पिछली बार, बाकी ज्यादातर नेता हमारे क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में है। ये तीन तो कल होना ही है, और उनके अलावा जिनकी चुनाव जल्दी मतगणना हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा, तो वो भी जल्दी से जल आ जाएंगे। कहीं बाड़े बंदे की तो कोई तैयारी नहीं है सर, रिसोर्ट और वो? मध्य प्रदेश बड़ी क्लियर मेजोरिटी देता है हमेशा, और मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार ठान ली है कि प्रचंड बहुमत देगी और इतनी सीटें आएंगी कि तोड़ फोड़ की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी नहीं। बीजेपी का ऐसा हाल ना हो जाए कि दो तीन गाड़ियों के अंदर पूरे विधायक चले जाए उनके कार के अंदर बैठ के, ये भी हो सकता है, तो तीन कार ले लें बीजेपी वाले, तीन कार ले लें बीजेपी वाले। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस कहीं ना कहीं शो कर रही है, और उसके पहले यानी कि मतगणना के पहले, रिजल्ट आने के पहले एक पोस्टर यहां पर लग चुका है जिसमें बधाई अभी से दी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कल सूरत हाल क्या होगा, जनता ने अपना सरताज कैसे चुना है, कल ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।